कि हम भी जाएंगे, लेकिन हमें ये सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मैं जो भी ये श्रद्धालु 1290 श्रद्धालु जा रहे हैं, इनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि इनको 6 तारीख जो पहली ट्रेन है आज अयोध्या के लिए जा रही है, ये सब वहाँ जाएं, अच्छे से दर्शन करें और राम लल्ला के दर्शन करें और उनमें मगन हो जाएं। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, ये जो मोदी जी ने एक बहुत सौभाग्यशाली हैं आज भगवान राम लल्ला जी के दर्शन के लिए यहाँ से आस्था ट्रेन में जा रहे हैं। मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला, लेकिन इनके माध्यम से भगवान राम से प्रार्थना करना चाहूँगा, हम सब लोगों को जो आज इनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचे, हमें भी जल्दी भगवान राम लल्ला जी का बढ़ावा पर हम भी दर्शन के अभिलाषी हैं। हम सब लोग भी चाहते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद जो है भगवान राम का मिले। और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं ये, क्योंकि 500 साल के बाद हमारे भगवान राम जी जो हैं वो अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, अपने महल में विराजमान हुए हैं, और उनकी बहुत खूबसूरत जो तस्वीर सबने मीडिया में देखी है, ये वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो सच में बहुत सौभाग्यशाली है। और मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और कठुआ से ही नहीं, जम्मू से, विजयपुर से, सांबा से, लगभग पूरे जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और इनकी ये जो यात्रा है, उनकी ये यात्रा मंगलमय हो, राममय हो, और जिस प्रकार से भगवान राम के नारों से आज हमारा कठुआ स्टेशन गूंज रहा है, आप सबने देखा हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, तो ऐसा पूरा नज़ारा इन्होंने पूरे रास्ते में देखते हुए जाएंगे, नाचते हुए जाएंगे, झूमते हुए जाएंगे और भगवान राम का कीर्तन करते हुए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन पर और ये पर मेरी भाभी है, ये पर तो बड़ा आशीर्वाद है, बाकी सारे पर भी है, लेकिन ये बिंदु में जी को भी बड़ा आशीर्वाद है, और जिन्हें भी सारे लोग जाएंगे उधर, मैं एक बार